नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कानपुर के जाजमऊ से। चाची और भतीजे के विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। जाजमऊ के केडीए इलाके की रहने वाली स्वर्गीय नौशाद की पत्नी सहनाज ने बताया कि अपनी ट्रेनरी सालीमार पहुंची, जहां हरीश नौशाद, कामरान रूमी समेत दर्जन से अधिक लोग कब्जा कर रहे थे, जिसके चलते विवाद हुआ। थाना जाजमऊ से करीब 250 मीटर की दूरी पर स्थित सालीमार ट्रेनरी के विवाद में दो पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने टकरा गए, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। दो कारों पर पथराव करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विवाद में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर एडीसीपी राहुल मिठास, कैंड एसीपी मृगांक शेखर पाठक समेत सर्किल फोर्स पहुंचकर मामले को शांत कराया गया। वीडियो में मारपीट के दौरान पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे हैं। इलाके लोगों के अनुसार विवाद बुधवार सुबह से चल रहा था। मौके पर थाना चकेरी और जाजमऊ पुलिस मौजूद थी। वहीं सूचना पर एडीसीपी राहुल मिठास भी मौके पर पहुंचे थे। एडीसीपी के जाने के 10 मिनट बाद चार कार हूटर बजाते हुए टेनरी की गली में घुस गईं। चार कार से दो दर्जन से अधिक लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर उतरे और मौके पर मौजूद लोगों को पीटना शुरू कर दिया। 10 मिनट के अंदर कार से आए लोग फरार हो गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कार में पथराव करना शुरू कर दिया। कार में बैठे कई लोग घायल हो गए। दो कार व एक मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने दो क्रेनों की मदद से क्षतिग्रस्त कार को वहां से हटवाया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने मामले को शांत करवाया। भाइयों को बुलवाया था? नहीं जाना, एक मिनट। विवाद किस बात को लेके, क्या है विवाद? हमारी प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती लोग नाजायज कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, हम आते आज आप आई थी ना, तो विवाद हमला कौन करने आया था? हमला करने आए थे आमिर के साले लोग। अच्छा, उनका वकील आपके देवर हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से काफी लोग आए थे हूटर बजाते हुए, बीजेपी झंडा, ये गलत बात कह रहे हैं। हूटर बजाने हमें नहीं पता कौन थे, हम तो अंदर बंद थे भाई। अच्छा अच्छा, तो मारपीट हमारे सामने तो कुछ आपसे पूछ के आए थे, तभी उन्होंने बाहर मारपीट चालू की। ये कह रहे हैं नहीं तो वो भी तो गाली गलौज करने आए थे, पीछे से वो लोग आ गए। मतलब तो ये कौन लोग थे जो आए थे? इसको लेकर विवाद हुआ आज? विवाद इसी बात को लेकर नहीं हुआ, हमारी जो जमीन है ये लोग जबरदस्ती गाली गलौज करते हैं, हमको गाली गलौज किया, हमसे लड़ाई झगड़ा किया, हमको धक्का। उनका नाम क्या जो कब्जा कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर, असली मालिक वही है। क्या है मामला? जैसा कि अभी पता चल रहा है, एक ट्रेनरी है शालीमार, जिसके दो पक्ष हैं, जो आपस में बताया गया है कि मुकदमेबाजी चल रही है कब्जे को लेके, और उन्हीं के दो पक्षों के बीच में आज झगड़ा हुआ है। यहाँ मौके पे आए हैं, अभी सारी चीज़ें हम लोग पता करेंगे और फिर जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जा रही है। सर, कानपुर में पुलिस इतना एक्टिव है, इसके बावजूद अगर खुलेआम झंडे असलहे लेकर के आना, गाड़ियों पर हमला करना, तो ये तो बड़ी बात है ना। निश्चित रूप से अगर ऐसी चीज़ है तो हम लोगों की कार्रवाई भी उतनी ही कड़ी होगी। यहाँ किसी भी प्रकार को, किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेना। इसमें घायल है, कितनी गाड़ियाँ टूटी हैं लगभग? अभी एक व्यक्ति के घायल होने के बाद पता चली है, जिसको कि हम लोगों ने तत्काल और रेफरल हॉस्पिटल भिजवाया है, और अभी मौके पे आके सारी चीज़ों को बात करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कैंट विधायक समाजवादी पार्टी मोहम्मद असल रूमी कानपुर से बात कर रहा हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र में परिवार के दो लोगों में झगड़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। हमारा, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का इस झगड़े से कोई संबंध नहीं है, और मुझे चूंकि बात मैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि अभी किसी चैनल के माध्यम से ये हमें किसी ने बताया कि आपका क्या कोई संबंध है झगड़े से, तो मैं अपना स्पष्टीकरण इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग हैं, दोनों को मैं भली भांति जानता हूं, दोनों पारिवारिक लोग हैं, और इन दोनों में आपसी मनमुटाव को लेकर प्रॉपर्टी का झगड़ा है, जिसमें कुछ बातें गंभीर हुई हैं। मैं जिला प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इसको आप आपस में बिठाकर देखकर दोनों के मामले को हल करा दें। धन्यवाद।